जो हैं। पहला जो ग्राफ है जो कि हम ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम बेसिकली इज अ काइंड ऑफ बार चार्ट जिसमें आपकी हर बार रेक्टेंगुलर बार है और बार की जो हाइट है वो आपकी बताती है कि कितनी फ्रीकुन्सी है फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यू कैन सी के जो थ्री का स्कोर है वो कितने लोग ले रहे हैं तो दे आर ऑलमोस्ट एट पीपल ऑफ थ्री सो इसके अंदर आपकी हाइट ऑफ द बार बेसिकली प्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप और नीचे आपके हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस के ऊपर आपके स्कोर होते हैं ये तो अनग्रुप डेटा का आपको दिखाया हुआ है ग्रुप डेटा के लिए आप क्या करते हैं कि उसी तरह आप ग्रुप्स बनाते हैं और आप ग्रुप्स के लिए क्लास इंटरवल डिटर्मन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेंज और डिस्पर्शन ऑफ़ द स्कोर इन द डेटा और आपको डिसाइड करते हैं और मैंने आपको बताया कि आइडियली फाइव टू टेन तक क्लासेस जो हैं वो बड़ी सूटेबल लगती हैं डेटा को प्रजेंट करना आसान हो जाता है चूँकि हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूस डेटा के लिए हम बनाते हैं स्कोर्स फॉर एग्जाम्पल तो इसकी बार्स के दरमियान स्पेस नहीं होता इसलिए ज़्यादा आइडियल बात बेहतर है कि आप इसके ऊपर रियल लिमिट्स जैसा हमने पिछले लेक्चर में बनाई है आप इसकी रियल लिमिट्स ले लें या फिर लोअर लिमिट्स ले लें तो आप उसको कंटिन्यूसली एडजेसेंट बार्स के साथ उसको प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ये एक डेटा सेट है जिसके अंदर नीचे स्कोर्स हैं उनकी कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर लोअर लिमिट्स प्रेजेंट की गई हैं और फिर हाइट ऑफ द ईच क्लास और ग्रुप इज प्रजेंटिंग कि उसके अंदर फ्रिक्वेंसी या कितने लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर फॉल कर रहे हैं सो दिस इज अनदर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रजेंटिंग द डेटा थ्रू ग्राफिकली लाइक प्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ ग्राफिकल फॉर्म दूसरा जो ग्राफ हम यूज करते हैं ज्यादातर कंटिन्यूस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए और न्यूमेरिकल डेटा को वो है पॉलीगॉन पॉलीगॉन को लाइन चार्ट भी कहते हैं और पॉलीगॉन अगर सिंपल डेटा के साथ बनाना है तो सिंपल आप स्कोर के ऊपर जितनी भी फ्रीकवेंसी है उसकी आप डॉट लगा देते हैं और फिर उन डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका देर आर थ्री पीपल रफली जो कि स्कोर ले रहे हैं टू का और इसी तरह थ्री का स्कोर ऑलमोस्ट आठ लोग ले रहे हैं फ्रीकुनसी बेसिकली सो आप उसकी फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट डॉट्स लगा देते हैं और फिर आप उसको उन डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं सो दिस इज ऑल्सो गुड वे ऑफ प्रजेंटिंग द डेटा ग्रुप्ड डेटा को प्रजेंट करने के लिए जैसा इसमें मुझे पता चल रहा है कि आपका जो तीन स्कोर है वो सबसे ज्यादा लोग उसका ले रहे हैं क्योंकि लाइन चार्ट में जहाँ पे आपकी पीक बनती है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा लोग उस क्लास के अंदर या उस स्कोर के ऊपर होते हैं पॉलीगॉन को भी हम ग्रुप डेटा के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन ग्रुप्ड डेटा में बजाय रियल लिमिट्स लेने के जो कि हमने हिस्टोग्राम में जैसे ली हैं हम इसके अंदर मिड पॉइंट्स लेते हैं और उन मिड पॉइंट्स के ऊपर हम जा कर के डॉट्स लगाते हैं अपने एक्स एक्सिस के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये क्लासेज मैंने बनाई हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ पे मेरा क्लास इंटरवल टू का है क्योंकि फोर और फाइव का मतलब है कि मेरी वर्थ जो है इंटरवल की वो टू है और फिर मैंने अकॉर्डिंगली उसमें फ्रीक्वेंसीज ऐड कर दी हैं तो अब मैंने इसका मिड पॉइंट ऐड करना है मिड पॉइंट के लिए आपका है फोर प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू विच इज़ फोर पॉइंट फाइव तो आप उसकी लोअर और अपर लिमिट को जमा करके दो पे डिवाइड करके उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं you will place the mid points here and then according to the frequency aap uske dots laga ke un dots ko connect kar dete hain so this is grouped frequency polygon aur isse bhi hame distribution ka pata chalta hai ki har class interval mein ya har group ke andar logon ki tadad ya frequency kitni hai इसको हम मजीद एस पी एस एस के अंदर करेंगे बिकॉज मैनुअली बहुत सारे डेटा के ग्राफ बनाना अब हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ एडवांस सॉफ्टवेयर्स जैसा आर एक का स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बहुत से इंटरेक्टिव खूबसूरत ग्राफ्स बना सकते हैं बट वी विल फोकस फॉर दिस कोर्स हम सिर्फ एस पी एस एस के ऊपर फोकस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन सारे ग्राफ्स को इन नो टाइम हम एस पी एस एस के अंदर बना सकते हैं